दोस्तों, दूध में इलायची पाउडर मिलाकर पीना सेहत को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाता है, क्योंकि दूध और इलायची दोनों ही पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। वैसे तो इस मिश्रण का सेवन आप किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन इस मिश्रण का सेवन अगर आप रात को सोने से पहले करते हैं तो यह सेहत के लिए बेहद गुणकारी होते हैं। रात को सोने से पहले दूध में इलायची पाउडर मिलाकर पीने से नींद अच्छी आती है, साथ ही कई बीमारियों में भी फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन ई, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन ए जैसे तत्वों से भरपूर होता है, तो वहीं इलायची में फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन और फास्फोरस जैसे गुण मौजूद होते हैं। आइए जानते हैं दूध और इलायची पाउडर के फ़ायदों के बारे में। नींद आती है अच्छी। अगर आप नींद ना आने की समस्या से परेशान हैं तो आपको रात को सोने से पहले दूध में इलायची पाउडर मिलाकर पीना चाहिए, क्योंकि इसके सेवन से तनाव कम होता है, जिससे नींद अच्छी और गहरी आती है, हड्डियों को बनाए मजबूत। अगर आप रात को सोने से पहले दूध में इलायची पाउडर मिलाकर पीते हैं तो यह हड्डियों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाता है, क्योंकि इसमें पाए जाने वाला कैल्शियम हड्डियों को स्वस्थ और मजबूत बनाने में मदद करता है, तनाव को करे कम। आज के समय में तनाव एक आम समस्या बन गई है, ऐसे में अगर आप रात को सोने से पहले दूध में इलायची पाउडर मिलाकर पीते हैं तो यह फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें पाए जाने वाला तत्व तनाव को कम करने में मदद करता है, पाचन में करे सुधार। अगर आप रात को सोने से पहले दूध में इलायची पाउडर मिलाकर पीते हैं तो यह पाचन स्वास्थ्य को फ़ायदा पहुंचाता है, क्योंकि इसमें पाए जाने वाला फाइबर पाचन क्रिया में सुधार करता है और पाचन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। सर्दी जुखाम करे दूर। अगर आप सर्दी जुखाम की समस्या से परेशान हैं तो आपको रात को दूध में इलायची पाउडर मिलाकर पीना चाहिए, क्योंकि इसमें पाए जाने वाला एंटी बैक्टीरियल गुण सर्दी जुखाम के लक्षणों को कम करने में मदद करता है। मुंह के छाले करे दूर। अगर आप मुंह में छाले की समस्या से परेशान हैं तो आपको रात को दूध में इलायची पाउडर मिलाकर पीना चाहिए, क्योंकि इस मिश्रण का सेवन करने से पेट साफ होता है, जिससे मुंह के छाले की समस्या से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।